सलाम्स एंड हेलो राबिया एंड शाजिया आर बैक टुडे और आज हमारे पास दो ड्रामे हैं लोग क्या कहेंगे एंड सबात। मैं समझ रही थी राबिया कि दो ड्रामे ये यू हो जाएंगे, सबात तो वैसे ही पता है कौन सा ट्रैक चल रहा है, लोग क्या कहेंगे मैं तो रोना धोना होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई। देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट देयर, व्हाट डू यू थिंक? व्हिच वन? लोग क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे मैं तो काफी चीजें सोचने की है, ऑल्दो रोना धोना चल रहा था बट अ लॉट टू थिंक अबाउट। एंड सबात में जो है वो मीराल साहिबा जो है उन्होंने कुछ चेकमेट्स खेले, ठीक है, डॉक्टर हारिस की तरफ, और डॉक्टर हारिस मुझे लग रहा है थोड़े भुखलाए हुए लग रहे थे। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मुझे तो ये भुखलाए हुए लग रहे थे। पहली बात, ये फराइज बैक ऑफिस में है। Farah, do you want to come and say hi first? But Farah, because drama nahi dekhe, so Farah is not joining us because she just reached to Karachi. She just reached Karachi last night, but she is in office. Farah, आप रास्ते में ड्रामे देख लेती ना, मतलब गाड़ी में आ रही थी आप, थोड़ा सा खोल लेती अपना 4G 3G। तो गाड़ी कहाँ चला रहे थे हम, और गाड़ी भी चला रही थी। हाँ, और प्लस ड्रामे तो रात में आते हैं, फरा तो सुबह में शाम में थी ना, बाय द टाइम शी रीच ड्रामे उसका गाना शुरू हुए थे। So, in the next drama gap, inshallah, Farah will be with us. And okay, so let's start with लोग क्या कहेंगे। मैंने एक्चुअली सोचा था मैं शायद नहीं रिव्यू करूँगी, लेकिन जब मैंने एपिसोड देखी फिर मैंने शाजिया को मैसेज किया कि शाजिया तुम ये देख लो क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो शाजिया का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है कि डिस्पाइट ऑल द रोना धोना एंड थोड़ी सी टिपिकल कहानी, जो एंगल बच्चों का लेकर आए हैं ना, ये एटलीस्ट 40% ऑफ द एपिसोड वॉज अबाउट किड्स, विच आई रियली लव्ड, विच आई रियली लाइक, बिकॉज एक पिटी हुई कहानी को और एक जो स्टैंडर्ड कहानी है उसको आपने एक नया एंगल दे दिया है बच्चों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू जब कोई ट्रेजिडी हो जाती है तो वो क्या होता है वो दिखाया जा रहा है। शाजिया, व्हाट वाज योर, व्हाई डिड यू लाइक लोग क्या कहेंगे? Yes, so for that reason and for a lot of other reasons, क्योंकि again you are right, रोना धोना था और मैं बिल्कुल यही सोच रही थी कि इसका तो नहीं करना है review, लेकिन जब मैंने देखा, so number one the fact that they talked about a couple, एक मियाँ बीबी के बीच में finances का discussion बड़ा open होना चाहिए और communication होना चाहिए, मतलब आपको पता नहीं कि आपका घर गिरवी रखा हुआ है उस पे है, लोन पर है और आपको पेमेंट करना है, यू शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली यही एक रीजन थी कि ही कमिटेड सुसाइड, क्योंकि वो सब कुछ अपने अंदर ले रहा था और सेट्स भी खरीद रहा था, ज्वेलरी भी खरीद रहा था, बर्थडे भी मना रहा था और पीछे ये सब चल रहा था। नंबर टू, दे ब्रॉट अप इज्जत एंड दे ब्रॉट अप द फैक्ट दैट अगर किसी लड़की को बाहर जाना हो काम के लिए, एंड आई पर्सनली नो ऑफ समवन जिसके साथ यही हुआ था, एक सडन डेथ हो गई फैमिली में आपके हस्बैंड की, व्हाटएवर, यू नीड टू गो आउट। एंड नंबर थ्री, द चिल्ड्रन, and the way they brought in the children was also it was everything was managed very sensitively, so I like, मतलब एक स्टैंडर्ड ड्रामा चल रहा था जिस वक्त दानिया आती है रोती और फिर ऊपर जाके वो, and I love the fact that she says मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है, और because उसने अपने बाप को देखा था कि उसने खुदकुशी कैसे की थी, उस बच्ची के दिमाग में वो चल रहा है, और हम, मतलब इट शुक मी, मैंने कहा कि गॉड, हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि माँ बाप के जो एक्शंस हैं, जो उनके डिसीजंस हैं, वो बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और कितनी स्ट्रांगली बच्चे किसी भी गलत तरीके पे जा सकते हैं, क्योंकि वो ही चीज़ करने की कोशिश करती है, शी ऑल्सो ट्राइज टू फॉलो कि मुझे ये दुख नहीं सहना है, मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं सहनी है, बाबा ने निजात हासिल कर ली है, मैं भी निजात हासिल कर लूँ, यू नो। एंड मुझे सिर्फ एक चीज़ का अफसोस है, विच आई वॉन्ट टू से, ताकि तमाम लोग जो सुन रहे हैं, अगर हमारी कोई बात सुन रहे हैं, देखिए ड्रामा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं, जैसे शाजी ने बोला इद्दत और इस तरह के सोशल मैसेजेस की और रिलीजियस मैसेजेस की भी बात हो रही है, लेकिन आपको खींचने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़, बिकॉज उसकी वजह से वो ड्रामा ऐसे चल जाते ऐसे चला जाता है। ये सब कुछ जो हुआ ना, ये दो किस्तों में मैक्सिमम हो सकता था, ये हम, मतलब हमें क्या ज़रूरत है सगीना समूह की इतनी बातें सुनने की, हमें क्या ज़रूरत है उसकी भाभी की टॉक्सिक बातें, मतलब आप ये भी तो दिखा सकते थे ना कि उसका भाई है ही नहीं, वो लावारिस है वैसे ही, यू नो, उसका कोई, मतलब उसका कोई इतना कोई रिश्तेदार नहीं है, हमें क्यों ज़रूरत है ये पिटे हुए एंगल्स डालने की ऑफ टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी, क्योंकि उसकी वजह से एक अच्छे ड्रामे को आप कॉम्प्रोमाइज़ करें एंड पेस तेज कर दें। So about the bhai, Rabia, I actually like that angle because the bhai was stuck between ke main apni behan ko help karun ya main apni family ko, and ye ek struggle shayad hoti hai, Shazia ye ho chuki hai na, Shazia hamare har drama mein ye struggle hoti hai, har drama, matlab 50 to 60%
50% ऑफ द ड्रामाज में भाई छोड़ देते हैं, बाप छोड़ देते, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है. लेकिन जो बच्चों का एंगल दिखा रही है, जो बच्ची और माँ की स्ट्रगल अब दिखा रहे हैं ना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट जो मैंने बहुत दफ़ा नहीं देखी है. तो इट्स अ रिफ्रेशिंग स्टोरी. भाई छोड़ के चला गया, सास ने ताने दिए, लोगों ने जमाने ने बात की, ये तो यार हर ड्रामे में हो रहा है. सो व्हाई डू वी नीड टू सी दैट? दैट्स सो आई डोंट एग्री विद यू. आई थिंक ये हम दिखा सकते हैं लेकिन छोटा कर सकते हैं. आई एग्री विद दैट पॉइंट. ये सब जल्दी, बिकॉज़ सास भी ताने देती है, भाई भी कोशिश करता है हेल्प करे, बीबी भी उसको ताने देती है. ये सब बड़ी रियल चीजें हैं जिनको वो कम कर सकते थे. फोकल पॉइंट शुड बी जो तुम कह रही हो, बच्चे यानी बीबी. मतलब सकीना समूह ने वो बात कुछ चार दो दफा दो सीन आए जिसमें सकीना समूह एज अ सास इज सेइंग द सेम थिंग. व्हाई डू वी हैव टू लिसन टू दैट यार? हमारे पास और बहुत नेगेटिविटी है. दूसरी बात, उन्होंने सॉरी टू से आई डोंट नो अगली किस्त में क्या दिखाते हैं, लेकिन एडिट में मेजर ब्लंडर था. वो बहन को बोलता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बीवी कहती है 2 घंटे की फ्लाइट हम जा रहे हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं है. रात में जब वो लास्ट सीन में फैसल कुरैशी जो है, साद नाम है ना उसका, साद मीरब को जो बोल रहा है कि नहीं मैं तुम हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ एंड ऑल दोज थिंग्स, उसमें कहीं भी नहीं बता रहे कि भाई कहाँ गया है, व्हाट हैपन टू द भाई, या अगर भाई चला गया तो मीरब का क्या करे, क्या रिएक्शन है कि भाई चला गया. कुछ नहीं, आपने उसको निकाल ही दिया. या अगर विद इन 2 आवर्स ही हो रहा है तो वो एयरपोर्ट कब पहुंचेंगे? सॉरी, मतलब वही मैं कहती हूँ, ऑडियंसेस को इतना अंडर एस्टिमेट. अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिड यू फील क्या ऑडियंस को किसी वक्त गुस्सा आया ऑन दानिया कि वो इस तरह छोड़ के चला गया है, जिस तरह उनके भाई बात कर रहे थे टू द मदर कि ये तो बहुत वीक आदमी था और इससे सहा नहीं गया उसकी, एंड नॉट जस्ट अबाउट द वीकनेस बट द फाइनेंशियल प्लानिंग. ये तो ऑडियंसेस ही बता सकते हैं, आप लोग कमेंट्स में बताएं, शाजिया के सवाल का जवाब दें कि क्या आपको गुस्सा आया. मेरा ख्याल है दानियाल का कैरेक्टर तो साइड पे हो गया है फॉर मी एटलीस्ट. मेरे लिए जो मुझे गुस्सा आया वो मुझे सास पे गुस्सा आया, और थोड़ा सा मीरब से मैं अब एक्सपेक्ट करी हूँ कि अब रोना धोना कम करो एंड स्टैंड अप ऑन योर फीट. सो व्हेन शी टोल्ड द बैंक पीपल आई वाज वेरी हैप्पी. शी सेड नहीं मुझसे कोई बात मत छुपाए, मुझे बताएं. लेकिन जब उन्होंने बताया वो फिर हक्का बक्का वैसी चुप हो गई. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो बाद में उसने कहा ना कि मैं जाऊंगी या मैं जेवर या मैं, वो उसको उसका कहना चाहिए. I think that was okay because transition है ना, वो उसको hit किया, then she stood up, then she got up. लेकिन वही बात है कि so drama बहुत अच्छा है. As I said again, I don't want to compromise के जो concept आप लेके चल रहे हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा बोलूँ, but yes, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. मीरा बहुत ज़्यादा रो रही है और हर कोई ऐसे ड्रामों में रोता है. हमें समझ आ गई कि वो दुख में, हमें समझ आ गई कि उसको बहुत मसले फेस हो रहे हैं. इट्स टाइम टू गो टू द नेक्स्ट फेज विच इज़ कि वो अपने बच्चों को की सर्वाइवल के लिए खड़ी होगी और काम करेगी, या जो भी है कि साथ उसको सपोर्ट करेगा, उससे निकाह कर लेगा, व्हाटएवर. बट वी आर रेडी टू गो टू द सेकंड स्टेज. सो मूवमेंट ज़्यादा करें ताकि ऐसे ड्रामे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. सो आई थिंक दैट्स ऑल. डू यू हैव एनीथिंग एल्स और शुड वी मूव ऑन टू? नो, आई थिंक वी आर वेटिंग व्हाट लोग क्या कहेंगे. डिड फॉर अस टुडे वाज के दे मेड अस वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड जो पिछली एपिसोड में नहीं हुआ था. पिछली एपिसोड पे उनकी व्यूअरशिप ड्रॉप हो गई होगी काफी, लेकिन इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा मे बी देयर समथिंग इन इट फॉर यू. यस यस, सो डू वॉच जी. सबात सबात मुझे ना ऐसे ऐसे चलता है. सबात मेरे लिए सबात किसी वक्त मुझे कुछ एंगल्स बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं जैसे, लेकिन कुछ एंगल्स से मुझे बहुत अफसोस होता है कि इतनी ज़बरदस्त टॉपिक को, इतने एक ड्रामा जिसमें इतना पोटेंशियल था उसको उन्होंने वही टिपिकल कुछ चीज़ें कर दी हैं कि ऑफिस में बुला के दोनों की कन्फ्रंटेशन हो रही है, वो चीख रहे हैं, वो बीवी को वैसे ही एटीट्यूड दे रहे हैं हसन साहब. सो आई फील कि इसको रोका जा सकता था, बट चलें क्या कर सकते हैं, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. जी, तो डॉक्टर हारिस जो है वो डिनाइल में है या वो कामयाब हो जाएंगे 30 दिन में? 30 दिन का देने की मुद्दत है जो उन्होंने अपने लिए दी है. डॉक्टर हारिस जो है वो भोखलाए हुए हैं मेरे हिसाब से, स्पेशली जब उनके दोस्त आके बैठे थे और वो यूं सर पकड़ के जो बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब मुझे क्या करना है. ऊपर से मियां बीवी से झूठ बोला हुआ है, जब बीवी को पता चलेगा ना वो तो ऐसी की तैसी कर देंगी. उनको तो आपने देखा है वो क्या करती है. ही इज इन डिनाइल आई थिंक. ही थिंक्स कि उनकी डॉक्टरी काम कर जाएगी एंड उनको नहीं पता व्हाट मीराल इज कैपेबल ऑफ. लेकिन मुझे ये बताओ, सवाल ये है, यू हैव समथिंग टू से फर्स्ट? नहीं, यही
है कि बेसिकली डॉक्टर हारिस जो हैं वो अपनी जो एक्सपर्टीज है वो एक्चुअली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. ही इज़ होपिंग के, क्योंकि देखो मिराल ने पहले तो कॉन्वर्सेशन ही बंद कर दी थी ना उनसे इस टॉपिक पे. शी सेड इफ़ यू नॉट गोना लीव देयर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट इट, ही वांटेड टू डिस्कस. मिराल तो बात ही नहीं कर रही थी, तो उन्होंने कहा अच्छा इस तरीके से एटलीस्ट मिराल बात करे एंड मे बी अगर मैं उसको मोहब्बत से जीत लूँ तो शायद वो चेंज हो जाए. क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजी वो की ना कि अक्कड़ गुस्सा दिखाने के बजाय एक स्ट्रैटेजी होती है ना कि आप इंसान को वो चीज दे दे जो उसको चाहिए और उसे कन्विंस कर ले अपनी अच्छाई और अपनी जी. फिर इंसान को उस चीज की आदी हो जाती आदी हो जाता है वो. उसके बाद उससे जब आप लेके वापस छीनेंगे फिर आप देखिए क्या होता है. उससे पूछा ना ये सेट कि अगर मैं नहीं छोड़ता तो शी सेड हम यहाँ नहीं बैठे होते. सो दैट्स वन थिंग. बट माय क्वेश्चन टू यू इज क्या डॉक्टर हारिस को झूठ बोलना, इट इज अ झूठ, क्या झूठ बोलना चाहिए था मिराल को? मिराल ने तो मना कर दिया था, मिराल की तरफ से रिलेशनशिप खत्म हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन ही इज मेकिंग एन एफर्ट कि रिलेशनशिप नहीं खत्म हो. उसके लिए अगर वो झूठ बोल रहा है तो मेरे हिसाब से इट्स ओके, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू सेव हिज मैरिज एंड ट्राइंग टू कन्विंस मिराल टू चेंज हर व्यू. एंड ऑल्सो वो मिराल को एक चांस दे रहे हैं जो बाकी लोग नहीं देते हैं. शायद मिराल को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक महीना ही शायद कोई मिरेकल हो जाए, मिराल शायद चेंज हो जाए, विच इज़ नॉट गोना हैपन, बट एटलीस्ट वो कोशिश कर रहा है. सो मेरा पॉइंट हमेशा ये होता है कि आपको अपनी तरफ से तमाम कोशिश, तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो है ना उसको एग्जॉस्ट कर देना चाहिए. फिर उसके बाद जो कुछ भी हो वो आपकी किस्मत का था. अब वट एवर हैपन्स, डॉक्टर हारिस को कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने 100% अपनी कोशिश नहीं की फॉर अ वुमन जिसको मैं प्यार करता था. सो मेरे हिसाब से इट्स ओके फॉर हिम टू डू दैट. और तो शादी में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर मिराल जैसी बीवी हो तो फिर शायद कभी कभी आपको उसी को मनाने के लिए, शादी को बचाने के लिए कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं. तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है that he should have come clean and he should have said कि ठीक है एक महीना नहीं छह महीने कह देता हम ब्रेक लेके देखते हैं. लेकिन no, but you are assuming कि मिराल would have agreed. मिराल ने तो मना कर दिया था, तुम्हें पिछली किस्त में सीन याद है ना, दो हफ्ते पहले किस्त आई थी. हाँ, तो मना कर दिया था. He has to be prepared for the consequences. अभी वो बचाना चाह रहा है. Without trying your best. एक अगर होप है, अगर 5% की भी होप है किसी जगह पे, तो यू वुड से कि आप 5% की होप को छोड़ दें. Are you trying to say that? अगर वो आप hope उसको दिला रहे हैं झूठ बोलने से, या तो फिर आप mentally prepared रहे हैं कि एक महीने बाद वो मना करेगी तो आप छोड़ देंगे. वो चीज जो आप अभी कर सकते हैं, आप एक महीने delay कर रहे हैं. नहीं, आप delay नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कोशिश पूरी 100% अपनी try कर रहे हैं. फिर इस हिसाब से तो देखो, फिर कोई इंसान कोई कोशिश ही नहीं करे ना इंसाफी के अगेंस्ट, किसी भी गलत बात के अगेंस्ट, कोई भी कुछ, बिकॉज आपको ना पुलिस आपका साथ देगी, ना जज आपको साथ देंगे, ना कोई. नहीं, लेकिन आप झूठ से क्यों कोशिश कर रहे हैं? You are making a believe something that's not true. No. So that's my thing. ओके, आई एग्री कि झूठ नहीं शायद बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी झूठ जायज़ हो जाता है. वो उसको कोई हर्ट नहीं कर रहा है, चीट नहीं कर रहा है, वो उसके बेनिफिट के लिए और अपनी रिलेशनशिप, शादी को बचाने के लिए कर रहा है. मेरे ख्याल में इधर झूठ जायज़ है, इधर हो सकता है. अगर वो उसको चलो भाई मोहब्बत नहीं तो गुलामी ही सही. नहीं, उसको गुलामी से निकालने की, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा है ना. अब एक महीने बाद ये होगा कि वो गुलामी को एक्सेप्ट करता है या वो अपने प्रोफेशन के लव को चूज़ करता है. बिकॉज फॉर मिराल मोहब्बत इज़ गुलामी, जो उसने एंड में एक्सेप्ट भी कर लिया. इनफैक्ट जब वो उसको बोलती है ना कि ये करो वो करो, तो मैं यही सोची थी कि ये मोहब्बत नहीं, शी डजंट वांट समबडी जो उसको प्यार करता हो. शी जस्ट वॉन्ट्स अ स्लेव जो उसकी सारी बातें माने, जो उसकी कठपुतली की तरह उसको कंट्रोल कर सके. एंड वो टूवर्ड्स द एंड एक्सेप्ट भी करती है कि मेरे हिसाब से शायद ऐसा ही है, यू नो. सो बट मिराल, यस, हाँ जी आप बोले. हाँ, नहीं मैं कह रही थी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कपल दैट वी हैव व्हिच इज इनाया एंड हसन. डू यू थिंक, मुझे ये लग रहा है, इज इनाया बीइंग टू नाइस टू हसन? इज शी गिविंग इन टू मच? क्या ये रिलेशनशिप्स में होता है कि एक कपल इतने ज्यादा गुड हो रहे होते हैं जिस तरह डॉक्टर हारिस कर रहे हैं मिराल के साथ, ये यहाँ पीछे चली जा रही है हर बात पे. वो वही करिए जो एक सपोर्टिव वाइफ करेगी. मतलब अगर आपके मियाँ पे इतना
ओके मे बी यू एंड आई माइट नॉट एग्री द वे शी इज डूइंग थिंग्स और हम लोग बोले नहीं इतना लेने की जरूरत है, लेकिन अनाया इस वक्त बहुत सारी बीवियों को रिप्रेजेंट करी है जो ऐसे ही बर्दाश्त करती हैं अपने हस्बैंड्स का एटीट्यूड, और जब उनके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल या बिजनेस या ऑफिस की तरफ से मसले मसाइल या बॉस के होते हैं वो इसी तरह करती हैं। हाँ थोड़ी चीज़ें एग्जैजरेटेड हैं हसन की तरफ से, पर आई थिंक मेरा व्हाट अनाया इज़ डूइंग इज़ गुड। आई थिंक वो अपनी तरफ से प्रेशर कम कर रही है। अगर वो भी उसको डंडा देना शुरू कर दे, अगर वो भी उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो फिर तो हसन के पास कोई रास्ता भी नहीं है। मतलब हर जगह से उसको नेगेटिविटी आएगी। और दूसरी बात ये अनाया डजंट नो, अनाया डजंट नो कि मिराल के हसन के, मैं पता नहीं मिराल क्यों की जा रही हूँ, मिराल इतनी छाई हुई है मेरे दिमाग पे, कि हसन के दिमाग में कीड़ा क्या चल रहा है। जॉब एंड पैसा तो है एक प्रॉब्लम, बट उसके दिमाग में हल्का सा जो शक और चीटिंग की बात आ गई है ना, वो अनाया हैज नो आइडिया। तो अनाया क्या कर सकती है? ही सेड इट तो मैं तो कह रही हूँ उस पे उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था अनाया का। बड़ा उसने सॉफ्ट सा रिएक्शन दिया, भाई हाउ डेयर यू, मैं सुबह जा रही हूँ काम पे, शाम को आ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तुम्हें देख रही हूँ, जो ज़हनी हालात तुम्हारे खराब है, ऊपर से तुम मुझसे कह रही हो कि मैं ऑफिस में शायद अफेयर ना चलाऊं। उसने ये नहीं बोला था कि मैं अफेयर ना चलाऊं, उसने बोला था बस चीट नहीं करना। सो ओके, सो इट कुड बी बोथ वेज, लाइक यू आर सेइंग, एक पॉइंट हो सकता था जिसपे वो कहती तुमने ऐसी बात की क्यों है, विदाउट गेटिंग एंग्री, विदाउट गेटिंग इरिटेटेड हिम, शी शुड हैव जस्ट आस्क्ड कि तुमने ऐसी बात क्यों की, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया चीटिंग का और इस बात का कि मैं तुम्हें छोड़ कहाँ दूंगी, यू नो, उसको ये बात पूछनी चाहिए थी। ठीक है, दूसरा मैं उसको ये बेनिफिट दूंगी कि शी इज़ थिंकिंग कि ही सो स्ट्रेस्ड कि ही इज़ इमेजिनिंग एंड ही सेइंग ऑल दिस रबिश, और उसको खुद रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो क्या बोल रहा है। यू नो, कभी कभी आप गुस्से में ऐसी बातें बोलती हैं और फिर हस्बैंड वाइफ या कोई भी दो किसी भी रिलेशनशिप में, कभी दोस्त भी आपस में, मैं और तुम शाजिया कभी कभी हम आर्ग्यूमेंट में एक बात बोल देते हैं, बट हमें पता होता है या हम सोचते हैं अच्छा यार ये सब गुस्से में या डिप्रेस है या इसका मूड ऑफ है, इसने ऐसी बात बोली है, बट शी डजंट रियली मीन इट, यू नो। तो वो भी शायद इसी तरीके से सोच रही हो हसन के बारे में। बट यस, डज हसन नीड अ डॉक्टर हारिस इन हिज लाइफ? नो, हसन नीड्स अ डंडा। डू यू थिंक ही इज स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन? नो, ही इज इनटू डिप्रेशन ऑलरेडी। तो डॉक्टर हारिस से ज़्यादा आई थिंक उसकी अम्मी को आने की जरूरत है, उसकी माँ को आने की जरूरत है। आई थिंक दिस इज द टाइम एंड लैला ज़ुबैरी शुड बी कमिंग बैक एंड टॉकिंग टू हिम। एंड आई डोंट लाइक इट कि पहले जिस तरीके से लैला ज़ुबैरी थी, तो लैला ज़ुबैरी ने हमेशा हसन को उठाया, उसकी माँ ने हमेशा उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने की कोशिश की, उसको इमोशनली एंड यू नो साइकोलॉजिकली भी किया। एंड दैट्स वेयर आई फील शी नीड्स टू कम एंड शी नीड्स टू टॉक एंड टेल हिम कि वॉट यू थिंकिंग इज़ रॉन्ग, जस्ट हैंग इन देयर और मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि देखो, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि दोनों सेट्स ऑफ माँ बाप को पूरा निकाल दिया है, क्यों, व्हाई? अनाया के माँ बाप तो बहुत इन्वॉल्व थे, और अगर आपको पता है कि आपके आपके बच्चे आपके दामाद के साथ ये सब, मतलब आपके फाइनेंशियली मसले चल रहे हैं और बीवी बेटी काम कर रही है दामाद, तो आप तो थोड़ा सा, तो ठीक है मुझे पता है उसके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली एक नज़र रखेंगे, स्पेशली जिस तरह की रिलेशनशिप अनाया और उसके पेरेंट्स की है। मैं ये पॉइंट लाना चाह रही थी कि या तो एडिटिंग में कुछ हुआ है, सबात में पहले भी इस तरह हुआ है, इन्होंने किया है कि कोई एक पूरा स्लाइस जो हमें दिखाना चाहिए था उनको, एक पूरा ट्रैक को एक पूरे एपिसोड से गायब ही कर दिया उन्होंने, एंड बीच में भी ऐसा हुआ है। Having said that, हसन के ज़हनी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, and he is in depression, and I totally like your point कि the mother should be there। उन्होंने बड़ा अच्छा एक connection दिखाया between the mother and the son। I like the fact that Hasan was mentally strong enough to tell of Yasir Qureshi and to understand that he's playing with his emotions, because उसने आतिफ से कहा कि नहीं ये खेल रहा है मेरे साथ। So that was really good. So, मुझे दो चीज़ें करनी है, एक तो ये कि वो लड़की प्लीज़ यार आप लोग साइड कैरेक्टर्स रख रहे हैं, अच्छे लोगों को ले लिया करें यार, उसका इंपॉर्टेंट रोल है, कोई अच्छी मतलब ढंग की एक्ट्रेस ले लेते, सॉरी टू से, मतलब इट्स बिकॉज इफ ओके। सो आई वॉज थिंकिंग, जब मैं देख रही थी तो मैं सोची थी कि कल मैं रिव्यू में ये बात बोलूँ या ना बोलूँ, फिर मैं बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि आप लोगों के जज्बात को हर्ट कर देती हैं। अगर आप एक्टिंग के लिए आना चाह रहे हैं, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, देन प्लीज़ टेक क्लासेज। आई एम सॉरी, कोई भी, अगर आप शेफ बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ तो हमने भी बहुत रिसर्च की है, मैं ये नहीं कह रही दैट वी आर द बेस्ट ऑफ बेस्ट, लेकिन आप एक चीज़ करें, प्रैक्टिस करें यार, उसके बाद आप आएँ, कोई आपको ये नहीं कर रहा, लेकिन आप
इस तरह आके व्यूअर्स के साथ यू कांट एक्सपेक्ट कि हम लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे. सॉरी, मैं अब चाहे किसी को बुरी लग रही है या किसी को रहा है, बिकॉज दिस इज़ गुड फॉर यू ऑल्सो. हमारी फीडबैक, प्लीज़ इम्प्रूव योर स्किल, इम्प्रूव योर यू नो टैलेंट, बिकॉज यू डू हैव इट, यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन इट. एंड वी स्पेंड 45 मिनट्स ऑफ आर लाइफ, आई डोंट थिंक वी नीड टू डिजर्व, वी डिजर्व टू सी समथिंग लाइक दिस. अच्छा, दूसरी बात ये मिराल का जो कैरेक्टर, सो वी ऑल वॉन्ट मिराल टू बेंड, वी ऑल वॉन्ट मिराल टू चेंज, वी ऑल वॉन्ट मिराल टू फॉल इन लव विद डॉक्टर हारिस एंड बिकम दिस अदर पर्सन. क्यों चाहते हैं हम ये शाजिया? मैं ये बात सोच रही थी, क्यों? क्योंकि वो हेड स्ट्रॉन्ग है, वो औरत है क्या? मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे थे, मैं खुद भी क्लियर नहीं हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. बट मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मिराल ने अपने बहुत से हस्बैंड्स बोलते हैं बीवी को कल से जॉब पे नहीं जाओ, डू वी रिएक्ट लाइक दिस? डू वी से कि ओ ये तो पागल है क्या? उसमें हम गुलामी की बात लाते हैं और मोहब्बत की बात लाते हैं. तो हम यहाँ पे क्यों चाह रहे हैं, हम सब इंक्लूडिंग मी, आई डोंट नो अबाउट यू बट डेफिनेटली मी, कि मिराल चेंज हो, कि मिराल बेंड हो? क्या ये सिर्फ मिराल स्पेसिफिक है या एनी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर दैट कम्स, हम लोग को मसला होता है ऐसा? सवालात की पोचार शाजिया पे, लेट्स सी व्हाट शाजिया से. ओके, आई एम सॉरी दैट योर क्वेश्चन टू मी डजंट, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सवाल आपने क्यों किया है, जिसने अपने भाई की वो शादी की रात में कमरा जला दिया हो. इसकी बीवी को स्टैंड नहीं कर सकती, ठीक है, उसको तो निकाल ही दो कि वो मियां से कह रही है कि जॉब छोड़ दो, फॉरगेट दैट पार्ट. ओके, अग्रीड, आई टेक दैट पॉइंट कि चलो आदमी भी कभी कभी करते हैं ऐसे. जो अपनी अम्मा से ढंग से बात नहीं कर सकती, जो किसी को अपनी एक ही जो उसकी दोस्त बची हुई है उससे बदतमीजी करती है, she would you want to have a friend like Miraj? I wouldn't. That's the reason we want her to change, because we feel and we've never seen her happy. The only time we've seen her happy is for that one episode जब वो golf course में चल रही थी उनके साथ डॉक्टर हारिस के साथ और वो खुश लग रही थी. Even people who like Miraj's character want her to be happy, और अभी इन सब चीजों में and Miraj herself wants herself to be happy. वो खुद ही कहती है बीच में कि हाँ अब मैं खुश हूँ, ये जो ये प्लानिंग और स्कीमिंग कर रही होती है ना, इसमें ये खुश नहीं होती. शी इज जस्ट, शी इज अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, सो दैट्स व्हाई आई थिंक या शी वांट्स टू मच, शी सेल्फिश, शी स्पॉइल्ड, बट देयर इज अ साइको एलिमेंट उनके कैरेक्टर में दैट नीड्स टू बी. एंड लास्टली माय पॉइंट इज, व्हाई डू वी वांट पीपल टू चेंज आफ्टर दे, और व्हाई डू पीपल चेंज आफ्टर दे गेट मैरिड? ये कहा था ना उनके फ्रेंड ने डॉक्टर हारिस के, व्हाई डू वी वांट पीपल टू चेंज? बट कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, तो आर यू सेइंग कि इट्स अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट हस्बैंड एंड वाइफ टू चेंज फॉर ईच अदर? शुड नॉट बी हैपनिंग? नो, आई डोंट थिंक इट्स अनरियलिस्टिक. आई थिंक कि थोड़े चेंजेस आते हैं, लेकिन वो बड़े नेचुरल चेंजेस, ऑर्गेनिक चेंजेस होने चाहिए ओवर टाइम, बिकॉज यू वॉन्ट टू, यू वॉन्ट टू डू. बट आई थिंक आपकी अंदरूनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं, that and that you have to slowly start loving the other person and respecting them for what they are. agar wo thoda bahut change kar le wo unke upar hai, lekin aapko ye zehen mein bithana chahiye, aap is insaan se shaadi kar rahe hain, inme ye 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 cheeze shayad aapko na achhi lage, aur pata hai people who are in love unko wo cheeze bhi achhi lagna shuru ho jati hai wo shaadi ke pehle do nahi, wo pehle 2 saal hota hai, uske baad sab barabar ho jata hai. So, but I like it. I'm glad Shazia ne bola. मैं ये point भूल गई थी, सारी बातें जो मिराल ने पहले की थी. And I think कि yeah, but maybe अगर उन चीज़ों को निकाल दें तो फिर भी थोड़ा सा मेरे दिमाग में है कि क्यों हम चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं हम चेंज हो. बट डेफिनेटली उसने पहले पागलपन की हरकतें की हुई हैं, वो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दोज वी आर स्केयर्ड के वो ये कर रही है. आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या मिराल को चेंज होना चाहिए या मिराल जैसी है वैसे ही सही है? दैट्स व्हाई वी लव हर, दैट्स व्हाई वी वांट टू सी मिराल. अगर मिराल ये सब नहीं करे तो फिर शायद ड्रामे में कुछ इंटरेस्ट का ही ना रहे. सो ये सब बातें हैं. एनीथिंग एल्स फ्रॉम यू शाजिया? मैंने तो आज बड़ा लंबा भाषण दे दिया है राबिया. हाँ, तो मैं तो मैंने चांस ही दिया, वरना लोग कह रहे थे कि राबिया तो चांस ही देती शाजिया को. तो आज मैंने उन सबको बताया कि नहीं, जब राबिया सही होती है तो फिर राबिया कहती है, और जब मैं, बट आवर डिस्कशन इज मोर फॉर यू टू डिसाइड एज व्यूअर्स, बिकॉज यू सी इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स देयर इज नो 100% रॉन्ग और राइट फॉर मी. इट्स वेयर यू स्टैंड फ्रॉम एंड वेयर यू आर. But again, going back to Hassan's acting, he was so good yesterday.
when he cries, I think Ameer Gilani is doing a great job. You know, जब वो जा रहा था ना वापस ऑफिस रात को और वो कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना, मुझे लग रहा था ये इसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. हाँ, मैं भी समझ रही थी, but you know ना वो नहीं होने वाला, so वो सारी rumor ही थी, हसन जिंदा ही रहेगा, so we hope we get to see a happy ending between Hasan and Anaya, hopefully and Miral maybe. Yeah, yeah. So we wrap it up now, Shazia. Okay, yes, we wrap it up. Yeah. आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आप लोग क्या एग्री करते हैं. अगर आप यूट्यूब पे पहली बार आ रहे हैं या हमारे चैनल पे विजिट करते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशन बेल पे हिट करने के बाद ऑल को प्रेस करना मत भूलिएगा सो दैट यू कैन सी ऑल आर मज़े की वीडियोज़ व्हेनेवर वी अपलोड देम. थैंक यू.